नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है भारत नेपाल बॉर्डर्स को लेकर। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी और ऐसे एक प्रकार से कहें तो एक दुखद समाचार भी कह सकते हैं यहां पे। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, पिछले 8 महीनों से यहां पे कोरोना के कारण भारत नेपाल की बॉर्डर्स बंद थी, और उसी के चलते हुए यहाँ पे भारत ने अपनी तरफ से बॉर्डर्स सारी बॉर्डर्स खोल दी थी सिर्फ टूरिज्म को छोड़ के, लेकिन नेपाल नहीं खोल रहा था। और उसी के बीच में अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पे बिहार में अचानक से पिछले 3-4 दिनों से कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में आई है, टेस्टिंग ज़्यादा हो गई है, उसके अकॉर्डिंग बिहार ने यहाँ पे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग अभी स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं और अन्य चीज़ें भी बंद हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बिहार और नेपाल की अटैच में बॉर्डर है, सोनाली सहित कुछ और बॉर्डर्स के नाम हैं, वहाँ वो सारी की सारी बॉर्डर्स यहाँ पे सीज कर दी गई हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर्स पार नहीं कर सकते कोई भी, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन रखी गई हैं। एक तो बहुत ज़्यादा बीमार हो तब आप यहाँ पे बॉर्डर्स पार कर सकते हैं, और दूसरा कोई अर्जेंट यहाँ पे बैंक के कार्य के लिए आप बॉर्डर्स पार कर सकते हैं, वो भी सीधा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी पजल्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो बता दूंगा, लेकिन ये 2 ही काम ऐसे बताए हैं इंपोर्टेंट वर्क में। उसके अलावा यहां पे लॉकडाउन शुरू हो गया है बिहार में 6 दिन का, तो 6 दिन तक बॉर्डर्स पार नहीं किए जाएंगे दोस्तों, नहीं करवाएंगे ये, और इंपोर्टेंट वर्क में सिर्फ 2 ही वर्क शामिल करे हैं। तो यहां पे अगर कोई नेपाल का बंदा भारत जा सकता था पहले, लेकिन अब वो भी नहीं जा पाएगा अपने घर के लिए भी। 6 दिन के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, 6 दिन के बाद अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है, और कोई इंडिया का बंदा भी अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाना चाहता है तो वो 6 दिन के बाद ही जा सकता है। अगर बिहार से किसी सीमा से जाना चाहता है, अन्य किसी सीमा पर जाना चाहता है, तो वो अभी भी यहाँ पर पहले की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग खुली हुई है। बाकी बिहार की यहाँ पर बॉर्डर्स पार करना बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 6 दिन के लिए लॉकडाउन लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी खबर। अगर आपको खबर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।